जय हिंद दोस्तों। एक्स सर्विसमैन यानी कि भूतपूर्व सैनिक जेसीओ और ओआर के लिए एग्जाम कंडक्टिंग स्टाफ की वैकेंसी निकली हुई है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम होते हैं उसमें जो एग्जाम कंडक्टिंग स्टाफ होते हैं, कई एक्स सर्विसमैन उसमें एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, उसमें टीसीएस की तरफ से आईओएन डिजिटल जो आपने देखा होगा ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उसमें टीसीएस ने वैकेंसी निकाली है। एक्स सर्विसमैन के लिए ही वैकेंसी है, केवल एक्स सर्विसमैन ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैसे फॉर्म भरना है, कितनी वैकेंसी है, पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है। इससे पहले बता दें कि एक और मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि ऑल इंडिया के पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी निकली हुई है। 38,000+ वैकेंसी है, ऑल इंडिया के जॉब लोकेशन है और ऑल इंडिया सर्किल में वैकेंसी है। वो जिसने वीडियो नहीं देखा है उसको देख लेना। इसमें वैकेंसी बता देते हैं, ये वैकेंसी है उत्तर प्रदेश के एक्स सर्विसमैन के लिए और राजस्थान के एक्स सर्विसमैन के लिए। तो उत्तर प्रदेश में 360 भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी है, राजस्थान में 290 भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी है। एग्जाम कंडक्टिंग स्टाफ यानी कि जो ऑफलाइन एग्जाम होंगे उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो ऑफलाइन एग्जाम होंगे उसको कंडक्ट कराने के लिए। इसके पहले एक ऑनलाइन एग्जाम की भी निकली थी, उसका भी मैंने वीडियो बना दिया था, जिसने नहीं देखा है वो देख लेना, पुराना वीडियो हो चुका है। अभी इसमें सिर्फ एक्स सर्विसमैन ही अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है, कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जो एग्जाम होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन उसके लिए भर्ती निकाली गई है। 30 से 45 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन 30 से 45 साल के एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ग्रेजुएट मांगा गया है, लेकिन एक्स सर्विसमैन 10th पास हैं तो उनकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी इसमें वैलिड है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बोला गया है एक्स सर्विसमैन हु आर एनर्जेटिक एंड डायनामिक रेडी टू लर्न, यानी कि पढ़ने और लिखने का भी नॉलेज होना चाहिए और एनर्जेटिक एक्स सर्विसमैन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम होंगे तो बेसिक हल्का फुल्का कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि ऑन ऑफ करना पता होना चाहिए। इसके बाद बता दें कि बेसिक और क्राइटेरिया क्या है। एक्स सर्विसमैन अगर है तो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें एग्जाम में आपको पता है कि एग्जाम होता है तो उसमें बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए। जो वैकेंसी निकली हुई है आगरा के लिए 35 वैकेंसी है, ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन जेसीओ और ओआर ही अप्लाई कर सकते हैं। सारी वैकेंसी ईएसएम के लिए ही है। अलीगढ़ के लिए 10 वैकेंसी है, बरेली के लिए 20 वैकेंसी है, फैजाबाद के लिए 5 वैकेंसी है, गोरखपुर के लिए 30 वैकेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, झांसी के लिए 10 वैकेंसी है, कानपुर के लिए 45 वैकेंसी है, लखनऊ के लिए 90 वैकेंसी है, मथुरा के लिए 5 वैकेंसी है, मुरादाबाद के लिए 10 वैकेंसी है, मुजफ्फरनगर के लिए 5 वैकेंसी है। इसके बाद प्रयागराज के लिए 40 वैकेंसी है, वाराणसी के लिए 45 वैकेंसी है, अजमेर के लिए 30 वैकेंसी है और अलवर के लिए 30 वैकेंसी है, बीकानेर के लिए 40 वैकेंसी है। ये राजस्थान की वैकेंसी है, ऊपर वाली उत्तर प्रदेश की थी। जयपुर की सबसे ज्यादा 70 वैकेंसी है, जोधपुर की 50 वैकेंसी है, कोटा की 30 वैकेंसी है, सीकर की 30 वैकेंसी है, उदयपुर की 30 वैकेंसी है। टोटल 650 वैकेंसी है। आपको किसी भी जिला सैनिक बोर्ड या डीजीआर के थ्रू नहीं अप्लाई करना है, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। वो भी मैं बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। 16 तारीख से पहले पहले, 16 मई से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद अप्लाई नहीं किया जा सकता है। अप्लाई लिंक मैंने इसी नोटिफिकेशन में भी दे दिया है, इस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसे ही एक पेज खुल के आ जाएगा, जिस पेज में आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, ये अप्लाई लिंक खुल गया है, इसमें क्या है, एडेको कैंडिडेट डिटेल्स फॉर्म, इसी में फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले में जो एक नंबर में है इसमें यस करना है। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है इसमें इसमें भी यस करना है। ध्यान रखें, दोनों में यस करना है, नो नहीं करना है। इसके बाद फुल नेम इसमें डालना है, जो आधार कार्ड में होना चाहिए। इसके बाद सर्विस नंबर, आर्मी नंबर डालना है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन जेसीओ और ओआर के लिए है। किसी भी डिपार्टमेंट के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के हो सकते हैं, लेकिन जेसीओ ओआर का आर्मी नंबर जो सर्विस नंबर रहा है, रैंक जिस रैंक से रिटायर हुए वो रैंक डालनी है। इसके बाद ईएसएमआई कार्ड नंबर,
डालना है जो एक्स सर्विसमैन है उनका आई कार्ड, जो रिटायर होने के बाद जिला सैनिक बोर्ड ने आई कार्ड बनाया वो आई कार्ड इसमें डालना है, नंबर, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ को आपको पता होना चाहिए, इसमें जब सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको भरना है मई 2022 या जो डेट ऑफ बर्थ है, सन और मंथ और डे आपका सही आना चाहिए। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं इसमें बाकी क्या डिटेल भरनी, स्टेट भरना है क्योंकि दो ही स्टेट आपको वैकेंसी है लेकिन ऑल इंडिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो याद रहे कि दो ही स्टेट की वैकेंसी है, जयपुर राजस्थान और यूपी की। इसके बाद सबमिट में क्लिक करना है, जैसे सबमिट में क्लिक करोगे आपका फॉर्म भर जाएगा, इसका ईमेल के माध्यम से आपका नोटिफिकेशन, मोबाइल नंबर भी इसमें डालना है, मोबाइल नंबर के माध्यम से आपका पूरा जानकारी इसमें आती रहेगी आपके मोबाइल में। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आगे भी ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो एक्स सर्विसमैन के मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।